कैसे करता है पाइप इंस्टॉलेशन का काम, बता सकते हो थोड़ा सा? तो ये हो रहा है पाइप इंस्टॉलेशन का काम। इसमें केमिकल लगा था क्या उसमें? हाँ, कौन सा केमिकल है ये? ये सोल्यूशन है क्या? नहीं, वो इसमें आएगा नहीं निकलेगा। अच्छा, ये 6 इंच का जैसे लाइन है, ठीक है, 6 इंच के हिसाब से फिर ये थर्मोकोल अलग अलग आता है ना? अलग आता है, चेंज का लाइन है तो चेंज का लाइन जो होता है ना, मतलब ऐसे जो इंसुलेशन होता है सिर्फ चिल वाटर लाइन में होता है, दूसरा लाइन में भी होता है? चिल वाटर में उसमें भी होता है। कौन सा लाइन में होता है ये? कौन कौन सा लाइन में होता है? जैसे फायर वाटर लाइन तो नहीं होता, कोल्ड का है ना? हाँ, ये कोल्ड का है वो चिल। हाँ, तो सिर्फ कोल्ड का है तो उसी में होता है ना? हाँ, उसी में होता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। ऐसे बाहर निकलेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे काम हो रहा है एक्चुअली, मैं तो यहाँ पे काम चल रहा है पाइप इंसुलेशन का। तो पाइप इंसुलेशन का मतलब प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले वो पाइप में इंसुलेशन होता है जिस पाइप में वो चिल वाटर का लाइन है। तो चिल वाटर के लाइन पे यहाँ पे होता है पाइप इंसुलेशन। पाइप इंसुलेशन करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्म आता है जिसका थिकनेस कितना होता होगा इसका दोस्त? हेलो, इसका थिकनेस कितना होता होगा? इसका 50 है। 50 mm थिकनेस होता है ना? देना उठा के इसको, इसको क्या बोलते हैं? इसको फॉर्म है ना, फॉर्म ही बोलते हैं इसको। तो ये फॉर्म होता है, अगर सपोज मान लिया जाए कि ये 6 इंच का लाइन है तो 6 इंच के लाइन के हिसाब से ये फॉर्म है, 6 इंच का आता है। और ये जो साइज है ये रेडियस में आता है। अब रेडियस में एक और आएगा और दोनों पाइप को ऐसे लगा दिया जाता है। लगाने के बाद ऐसे क्लैंप लगाया जाता है और उसी लाइन पे ये आइसोलेशन होता है जो लाइन कोल्ड वाटर हो यानी चिल वाटर लाइन पे ही सिर्फ ये होता है। तो ये भाई सब कर रहे हैं और ये प्रोसेस बताएंगे कि सर तरीका क्या है। सेफ्टी वाला क्या बोल रहा था? तुम्हारा सुपरवाइजर बोले नहीं करेंगे, जाओ ना। चला गया, चुप हो गया, शांत हो गया ना। जितना हाँ हाँ बोलेगा ना तो और नहीं करते। तो ये फॉर्म लगा दिया जाता है। फॉर्म लगाने के बाद ये रेडियस में फॉर्म आता है। रेडियस में लगाने के बाद ये एक साइड से अप और डाउन ऊपर से लगा करके उससे केमिकल से चिपका दिया जाता है। उससे एक क्लैंप लगा दिया जाता है। क्लैंप बोलते हैं, क्या बोलता है? बेल्ट। बेल्ट से टाइट करके ये हो गया। रैपिंग कोटिंग निकाल दिया इसमें से क्या? तो ऐसे करते हैं पाइप इंसुलेशन का काम। जो चिल वाटर का लाइन होता है सिर्फ उसी लाइन पे इंसुलेशन का काम होता है, क्योंकि मतलब इससे टेम्परेचर मेंटेन रहे, टेम्परेचर कम या बेसी नहीं हो। तो ये 6 इंच का लाइन है और 6 इंच के लाइन पे 50 mm का एक फॉर्म आता है जो रेडियस में कटा हुआ होता है। उसको लगा करके फिर ये फॉर्म लगाने के बाद बेल्ट से उसे टाइट कर दिया जाता है। बेल्ट से टाइट करने के बाद क्या होता है कि इस पर एक जाली आता है। जाली को चारों तरफ बांध करके उसमें केमिकल से लेप लगा दिया जाता है। और उसके बाद एक आता है सेट जिसे हीट करके लगाया जाता है। तो ऐसे होता है इंसुलेशन का काम। उठो, काट दो।
श्री लवकुश विश्वकर्मा रविराज इंफ्रा।